सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं फ्री फायर के टॉप 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो गाइस फ्री फायर तो आप लोग भी खेलते हो और मैं भी खेलता हूँ, लेकिन गाइस हम लोग फ्री फायर को नॉर्मली खेलते हैं। हम लोग फ्री फायर खोलकर बस एक दो मैचेस खेलते हैं या फिर गेम के अंदर जाकर मजे करते हैं, लेकिन फ्री फायर के अंदर कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनको फ्री फायर के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक करना होता है। इसी वजह से वो लोग फ्री फायर के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। क्या सुनने में तो एकदम इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन कुछ बंदों ने सालों की मेहनत के बाद या फिर लाखों करोड़ रुपए खर्च करके उन बंदों ने इन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को बनाया। और गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बताने वाला हूं ना, वो आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि उन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बहुत ही कम बंदों को पता है और इन सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना एकदम इम्पॉसिबल सा है। तो भाई आप लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए टेंशन मत लो, आप लोग आराम से बैठो और इस वीडियो को एंजॉय करो। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली, आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको एक बहुत ही यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाने वाला हूं, जिसके बारे में कोई बंदा कभी सोच भी नहीं सकता। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन यार उससे पहले गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और यार पता नहीं YouTube का क्या ग्लिच हो गया, आप लोगों ने बहुत सारे बंदों के मुंह से सुना होगा, बहुत सारे बंदों के जो सब्सक्राइबर्स है ना वो माइनस हो रहे हैं। अब यार ये चीज हमारे साथ भी हो रही है, हमारे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर अभी तक माइनस हो चुके हैं। इसमें हम लोग ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट थी, आप लोग एक बार चेक कर लेते, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है ना। यार बहुत सारे बंदे ऐसे थे जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर रखा था लेकिन उनके अकाउंट से ऑटोमेटिक अनसब्सक्राइब हो गया। तो प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। गाइस ये वीडियो आपको चाहे जैसी भी लगे, अच्छी लगे बुरी लगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आज की वीडियो आपको कैसे लगी। गाइस बस आप लोगों से इतना ही कहना था, अब आप लोग वीडियो को एंजॉय करो। चलो गाइस बिना देरी करे अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस नंबर 5 पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आता है उसको बनाया गबरू गेमर ने। गाइस इस बंदे का वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि बंदा पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला ऐसा बंदा था जिसको फ्री फायर ने मेल बॉक्स के अंदर सीजन 1 से लेकर सीजन 30 तक के सारे लाइट पास बिल्कुल फ्री में दिए। अब ये सारे लाइट पास इस बंदे को पार्टनर प्रोग्राम से नहीं मिले थे, बल्कि ये बंदा तो नॉर्मल बंदा था, लेकिन इसके बाद भी इस बंदे को ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिली। तो मैं आपको बता देता हूं आखिरकार इस बंदे को ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में क्यों मिली। यार आपको बताओ फ्री फायर वाले इतने कंजूस हैं भाई, इतनी सारी चीजें किसी को फ्री में थोड़ी देंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं आखिरकार ये बंदा है कौन। तो गाइस ये बंदा है पाकिस्तान सर्वर से, और आपको पता होगा पाकिस्तान सर्वर के इवेंट्स कैसे होते हैं, वहां पर फ्री फायर के अंदर इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स आते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे पाकिस्तान सर्वर के अंदर एक इवेंट आया था जिसका नाम था रोल द व्हील इवेंट, और उसके प्राइस देखकर ना आप लोग भी एकदम शॉक रह जाओगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो प्राइस था ना वो था आईफोन 12 प्रो मैक्स, मतलब यार जो भी बंदा इसके अंदर जीतता ना उसको रियल लाइफ में आईफोन 12 प्रो मैक्स मिलता। उसके अलावा यहाँ पर कुछ गोल्ड था, यहाँ पर पेट फूड था, और ऑल कैरेक्टर ऑल पेट और ऑल इलाइट पास कॉस्ट्यूम भी था। मतलब यार आप लोग खुद बताओ आज से पहले आप लोगों ने इतना ज्यादा खतरनाक इवेंट कहीं पर देखा था जिसके अंदर आपको रियल लाइफ का फोन मिल रहा हो, ऑल इलाइट पास मिल रहा हो, उसके अलावा पैसे भी मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टेलीनॉर है, उसके अलावा जैज है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 100 PKR, जैसे हमारे इंडिया में INR होते हैं जो कि हमारे इंडियन रुपीस होते हैं, वैसे पाकिस्तान सर्वर के अंदर होते हैं PKR। मतलब यार ये सब चीजें वहां के बंदों को बिल्कुल फ्री में मिल रही थी, क्योंकि इसके लिए आपको डायमंड की जरूरत नहीं पड़ रही थी, इसके लिए आपको बस एक शेयर की जरूरत पड़ती थी। यार इस इवेंट के अंदर इस बंदे का ये वाले सारे बंडल्स निकल गए थे। तो आप लोग सोचो इस बंदे को कितनी ज्यादा खुशी हो रही होगी कि यार इस बंदे को इतनी ढेर सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिल गई। वैसे यार फ्री फायर वाले हमारे इंडियन सर्वर से इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो यार उनको हमारे इंडियन सर्वर के अंदर कुछ ऐसा इवेंट भी लाना चाहिए। वैसे गाइस इस चीज के ऊपर आप लोगों को क्या कहना है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और आप लोग ये भी बताना आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड नंबर 5 कैसा लगा। तो गाइस अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड नंबर 4 की ओर। तो गाइस कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाया था जिसके अंदर एक बंदे ने एक मैच के अंदर करा था 7 लाख का डैमेज, लेकिन गाइस इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक बंदे ने तोड़ दिया है जिसका नाम है AS राणा। तो गाइस ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया AS आर्मी यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एक मैच के अंदर हाईएस्ट डैमेज देने का। तो आप लोग याद रखना इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था 7 लाख डैमेज का, लेकिन अब ये बंदा इसको तोड़ने वाला है। गाइस आपको क्या लगता है ये बंदा टोटल कितना डैमेज सामने वाले बंदे को दे पाएगा? यार ऑब्वियसली बात है इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को इस बंदे ने कस्टम के अंदर बनाया है, क्योंकि रैंक मैच के अंदर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना एकदम इम्पॉसिबल है। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए इस बंदे ने एक कस्टम बनाया, उसके अंदर अपने दोस्तों को बुलाया और सामने के जितने भी स्क्वाड थे उनमें से एक एक बंदे को बोला सब बैठ जाए, बाकी जो 3 बंदे थे उसको ये बंदा नॉक कर रहा था। अब यहाँ पर पहले तो इस बंदे ने यूज करा था अपने फिस्ट का, उसके बाद में ये बंदा यूज करने लगा था साइथे का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये बंदा एक के बाद सभी बंदों को नॉक करे जा रहा है, और जितने भी बंदे नॉक हो रहे हैं उनके टीममेट उनको रिवाइव कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस बंदे ने जो ट्रिक यूज करी है उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो यहाँ पर डैमेज जनरेट हो रहा है, बस यहाँ पर जो दिक्कत है ना वो जोन की, वरना इस ट्रिक की वजह से हम लोग इनफाइनाइट डैमेज भी कलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये बंदा फिर से आ चुका है साइथे पर, क्योंकि साइथे से हम लोग एक ही बार में बहुत सारे बंदों को एक साथ नॉक कर सकते हैं और उसका डैमेज भी बहुत ज्यादा होगा। अगर आपको भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो इसके लिए आपको भी जरूरत पड़ेगी अपने बहुत सारे दोस्तों की, उसके साथ में कस्टम रूम की। तो आपको भी सिंपली कस्टम के अंदर जाना है और जितने भी वहां पर बंदे होते हैं सभी को डैमेज देना है। तो गाइस अब यहां से हम लोग चलते हैं मैच के बिल्कुल लास्ट में। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो लास्ट जोन यहां पर आ चुका है और ये बंदा अभी भी सामने वाले बंदों को नॉक कर ही जा रहा है। भाई कितने बंदों को डैमेज देगा। तो गाइस फाइनली यहां पर मैच का बिल्कुल एंडिंग आ चुका है और यहां पर ये बंदों को नॉक करे जा रहा है, जोन यहां पर पूरा खत्म होने वाला है। तो इसी वजह से इस बंदे ने सभी बंदों को पूरा किल कर दिया और इस बंदे के जो किल्स होते हैं वो भी 20 हो चुके हैं। तो यार यहां पर किल्स तो कम है लेकिन जो इस बंदे का डैमेज होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है। गाइस यहां पर जो मैच होता है वो तो बोया हो चुका है, तो यार जल्दी से यहां पर मैच को बैक कर लेते हैं। तो गाइस यहां पर जो मैच को बैक कर लिया और यहां पर भाई इस बंदे को डैमेज देखो, इस बंदे ने 8,47,000 का डैमेज दिया है, मतलब कि ऑलमोस्ट 8.5 लाख का डैमेज। मतलब यार अगर हम लोग कोई नॉर्मल फ्री फायर में मैच खेलते हैं तो यार उसके अंदर हम लोग मुश्किल से 10,000 का डैमेज दे पाते होंगे, लेकिन यार यहां पर इस बंदे ने पूरे 8 लाख का डैमेज दे दिया, जो कि लिटरली में बहुत ही ज्यादा खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो गाइस आप लोग बताना आपको ये वर्ल्ड
वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसा लगा। तो गाइस मैं आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड नंबर 3 भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो। तो गाइस नंबर 3 पर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड आता है तो गाइस उसको बनाया अज्जू भाई ने। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग ये क्लिप सुनो। खास होगा बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले फ्री फायर के 2 लाख डायमंड के बारे में, जो कि मेरे साथ स्कैम हुआ है फ्री फायर के अंदर। 2 लाख डायमंड डालने के बाद भी मुझे जो गन की स्किन चाहिए थी वो नहीं मिली। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों ने इस क्लिप को अच्छे से सुना। यहाँ पर इनका कहना कि इन्होंने किसी इवेंट के अंदर 2 लाख डायमंड लगाए, लेकिन उसके बाद भी जो इनको चाहिए था वो नहीं मिला, जो कि तुम्हारी बनी MP40। तो गाइस ये चीज इनकी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मतलब कि इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है फ्री फायर के किसी भी एक इवेंट के अंदर सबसे ज्यादा डायमंड स्पेंड करने का, जो कि था पूरे के पूरे 3 लाख डायमंड का। अब यहाँ तक तो इन्होंने स्पेंड करे थे पूरे 2 लाख डायमंड, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने 1 लाख डायमंड और स्पेंड करे थे, लेकिन फिर भी जो इनको बनी MP40 थी ना वो मिली नहीं। और ध्यान रखना यहाँ पर मैं बैचेस बाय करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसी भी इवेंट के अंदर स्पिन करने की। फ्री फायर के अंदर एक इवेंट आया था दिवाली विश इवेंट करके, जिसके अंदर जो स्पिन था वो बहुत ही महंगा होता था, क्योंकि यार उसके अंदर फ्री फायर का लिटरली हर एक बंडल था, उसके साथ हर एक गन स्किन थी। तो जब वो इवेंट हमारे गेम के अंदर सबसे पहली बार आया था, तब इन्होंने स्पिन मारा था और तब इनको मिल गए थे ये सारे बंडल, लेकिन यार इसके बदले में इनके लग गए थे पूरे के पूरे 3 लाख डायमंड। अब यार अगर कोई भी नॉर्मल बंदा किसी भी इवेंट के अंदर स्पिन मारता है तो वो बंदा ज्यादा ज्यादा 1-2 हजार डायमंड खर्च कर पाएगा, या फिर मैक्सिमम 10-20 हजार डायमंड खर्च करेगा। इससे ज्यादा डायमंड कोई बंदा नहीं लगाता है, क्योंकि चांसेस तो ये होते हैं इतने डायमंड में जो ग्रैंड प्राइस होता है वो निकल जाए। लेकिन यार इनके साथ तो गया तगड़ा वाला स्कैम, इनको फ्री फायर ने यार 3 लाख डायमंड के अंदर सिर्फ ये बंडल्स दिए। जो ग्रैंड प्राइस इनको चाहिए था, जो कि तुम्हारी बनी MP40, वो तो इनको मिली नहीं। अब अगर आप लोग चाहते हो कि आपके साथ स्कैम नहीं हो, तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। हम लोग अपने चैनल पे डेली ऐसे अमेजिंग वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर लेना। सो बढ़ते हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड नंबर 2 की ओर, जो कि यार बनाया मेरे एक सब्सक्राइबर ने, जिसका नाम है मिस्टर 18 गेमिंग। तो गाइस आपको याद होगा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को चैलेंज दिया था कि ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर 129 से ज्यादा किल स्ट्रीक कंप्लीट करके दिखाओ, क्योंकि यार इससे पहले फ्री फायर का आज तक यही वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन गाइस इस बंदे ने फाइनली मेरा जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट करा, इसके बाद इस बंदे ने कर दिया फ्री फायर के अंदर हाईएस्ट किल स्ट्रीक का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं 129 को तो इस बंदे ने बहुत ही पीछे छोड़ दिया। इस बंदे ने यहां पर करे थे पूरे 150 किल्स, वो भी एक ही मैच के अंदर बिना मरे। यार ये चीज बहुत ही हार्ड होती है, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाते हो तो वहां पर आपको बहुत सारे बंदे मारते रहते हैं, और वहां पर 5 मिनट सर्वाइव करना भी बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन यार ये बंदा तो एकदम ओपन में फाइट कर रहा था, सभी बंदों को हेडशॉट मारे जा रहा था, और यहां पर जो अपना किल स्ट्रीक होता है उसको बढ़ाता जा रहा था। तो गाइस अगर आप लोग भी चाहते हो मैं आपको अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड लूं, तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग अभी चाहो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। क्योंकि यार आप लोग खुद देखो भाई, अच्छा थोड़ी लगता है 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन यार इंस्टाग्राम पे सिर्फ 15,000 फॉलोअर्स हैं। तो गाइस आप लोग जल्दी जाओ जाकर फॉलो कर लो। गाइस अभी बार गए थे हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड नंबर 1 की, तो गाइस आप लोग सोचोगे नंबर 1 पे मैंने किस बंदे को रखा है, क्योंकि हमेशा की तरह जो टॉप 1 पर वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा खास होता है। अब ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उसको बनाया डायलैंड प्रोस ने। अभी आप लोग सोचोगे यहां पर डायमंड या फिर बैजेस का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड हुक, लेकिन यार ऐसा नहीं है। इस बंदे का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना वो उसके डायमंड या फिर बैजेस से रिलेटेड नहीं है। ये बंदा पूरे फ्री फायर कम्युनिटी का पहला और लास्ट यूट्यूबर है जो कि रियल लाइफ में आलोक से मिला। मतलब यार आप लोग जिस आलोक कैरेक्टर से गेम के अंदर खेलते हो, जिसकी मदद से बहुत सारे बंदों ने मिलियन में सब्सक्राइबर कर लिए हैं, मतलब यार ये बंदा रियल वाले डीजे आलोक से मिला। और मैं आपको पहले बता दूं, इसमें फ्री फायर वालों ने इसकी कोई भी मदद नहीं करी थी, इस बंदे ने अपने पैसों से आलोक को यहां तक बुलवाया था और उसके बाद ये बंदा आलोक से मिला। और अगर इस प्रोग्राम को फ्री फायर वालों ने ऑर्गेनाइज करा होता तो यहां पर और भी ज्यादा यूट्यूबर्स होते, लेकिन यार ऐसा नहीं था। यहां पर इस बंदे के सारे दोस्त थे या फिर इसकी टीम थी, और जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हो जिस होटल में यहां पर ये बंदे थे वहां पर था अपना आलोक। अब यहीं पर आता इस बंदे का वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये बंदा पूरे फ्री फायर कम्युनिटी में एक ऐसा लौता बंदा जो कि रियल लाइफ में आलोक से मिल चुका है। इसके अलावा आज तक फ्री फायर का कोई भी यूट्यूबर आलोक से नहीं मिला, और जब ये बंदा आलोक से मिला था तो इन लोगों ने साथ में फ्री फायर भी खेला था। आप लोग बताना गाइस आपको इस बंदे का वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसा लगा। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।